हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम इंदल है और आप सभी को हमारे टॉप 20 कोचिंग में स्वागत है। आज हम लेक्चर 17 में स्टील यार्ड पर चर्चा करेंगे। स्टील यार्ड होता क्या है, जिसे हिंदी में कहते हैं तुलाडन, इसे विषमभुज या स्टील रोमन यार्ड भी कहते हैं। इसमें दो भुजाएं होती हैं, एक बड़ी भुजा होती है और एक छोटी भुजा होती है, जिससे क्या होता है, आसानी से हम क्या करते हैं, भार ज्ञात कर सकते हैं। और जो हमारा ये स्टील यार्ड होता है, ये यह एक सरल मशीन होता है और यह आघूर्ण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक, अब हम बात करते हैं इस फिगर में। इस फिगर को देखिए तो ये हमारी एक बड़ी भुजा हुई और ये बड़ी भुजा जो होती है, इसी में हम क्या करते हैं, जिस ऑब्जेक्ट का, चाहे जिस मास का, जिस वेट का, अगर हमको क्या करना है, उसका वेट निकालना है, जो ऑब्जेक्ट है, तो उस क्या करेंगे, उस वेट वाले को, इस ऑब्जेक्ट को, उसमें इस जो ये हुक बना है, इस हुक में हम क्या करते हैं, फंसा देते हैं। इसी तरह से जो हमारी छोटी भुजा है, ये हमारी यहाँ पे भी हुक होती है, छोटी भुजा पे हम क्या करते हैं, प्रयास पी जो यहाँ पे है, इसे चल भार कहते हैं, ये यहाँ पे हमारा रहता है छोटी भुजा पे। अब हम बात करते हैं ये ए और बी, ये एक लंबी जो होती है धरन होती है, यानी कि एक लीवर होती है। ठीक, और लीवर पे क्या होता है, एक पॉइंट पे हमारा हिंज रहता है, यहाँ पे हिंज रहता है, मान लीजिए जहाँ पे हिंज है उसे हम यफ डिनोट किए हैं, और इसे हम कह सकते हैं कि फलक्रम या आलम, यानी कि जिस पॉइंट पर ये हिंज रहता है उसी को हम फलक्रम या आलम कहते हैं। यानी कि ये हमारा जहाँ पे हिंज रहता है, जब हम क्या करते हैं, जब जिस ऑब्जेक्ट का जो वेट निकालना होता है, जब यहाँ हुक में लगाते हैं, जब फंसाते हैं, क्या होता है कि ये जो हमारा स्टील यार्ड होता है ऐसे झुकता है। जैसे आप तराजू देखे होंगे, तराजू के जब एक साइड में जब किसी भी सब्जी या जो भी मटेरियल होता है, जब उसे तौलना होता है, तो जब एक साइड में उस सब्जी को रखा जाता है, तो क्या होता है कि एक साइड में ज्यादा झुक जाता है, जिस जहां पर सब्जी को हमारा वेट रहता है। उसी तरह से इसमें भी होता है, मान लीजिए कि अगर हमने वेट यहाँ पे हुक पे लगाया, तो क्या होता है, ये ऐसे झुक जाता है हिंज के, और ये होता है ऊपर उठ जाता है। तो क्या करते हैं, ये जो चल भार होता है, पहले अपने ओरिजिन पॉइंट पर रहता है, यानी कि जीरो पर। तो क्या होता है कि इस चल भार को हम क्या करते हैं, 0, 2, 4, 6, 8, यानी कि ये सम संख्याओं में बटी होती है, 20, मतलब 20 तक बटी होती है। ठीक, अब हम क्या करते हैं, जब चल भार वाला जो होता है, इसमें खांचे बने होते हैं, ये जो धरन है इसमें इस तरह से खांचे बने होते हैं, मान लीजिए कि ये हमारा धरन है, यही तो धरन है, इसमें इस तरह से खांचे बने होते हैं, इसी तरह से क्या होते हैं, खांचे बने होते हैं, और इसमें ये जो हमारा ये जो हुक होता है, इसमें ऐसे ऊपर से एक ऐसे कुंडली रहती है, कुंडी बनी होती है, कड़ी बनी होती है, उसको उठा करके, पहले हमारे यहाँ पे है, उसको उठा करके यहाँ फंसाया, क्या करते हैं, इसको बैलेंस करते हैं, तराजू में बैलेंस ही तो करते हैं, तभी तो हम ऑब्जेक्ट, जो भी ऑब्जेक्ट होता है, जब बैलेंस कर लेते हैं तो उसे जो हमारा क्रेता होता है उसको हम दे देते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं इसका, जब हम इस चल भार को यहाँ पे जब फंसाते हैं तो देखते हैं कि ये बैलेंस नहीं होता, अभी वो लटका ही रहता है। इसी तरह से हम क्या करते हैं, दूसरे पे लाते हैं, चौथे पे लाते हैं, फिर 6 पे लाते हैं, 8 पे लाते हैं, 10 पे लाते हैं, 12 पे लाते हैं। अब मान लीजिए कि हम कहाँ पे आ गए, 14 पे आ गए, यानी कि हमारा 14 पे आ गए। जब 14 पे इस कुंडी को फंसाया तो क्या होता है कि ये पहले इस तरह से था, ये झुका था, अब ये क्या किया, एक एक्सिस पे हो गया, यानी कि मान लीजिए कि एक्स एक्सिस पे हो गया, पहले ये मान लीजिए ये धरन इस तरह से था और यही हमारा ये क्या है, यही आलम है। ठीक, तो पहले इस तरह से था, जब हम यहाँ पे हुक को फंसाया, जो छोटी भुजा वाली है, यहाँ पे हुक को फंसाया, तो क्या हुआ कि ये वेट को एक एक्सियल फॉर्म में ला दिया, यानी कि सीधी रेखा में ला दिया, तो अब क्या होता है, ये बैलेंस हो जाता है, और जिस नंबर पे ये हमारा चल भार जा करके फंसता है, उसी नंबर पे हम ज्ञात कर लेते हैं कि ये जो हमारा वेट है कितने किलोग्राम का है। मान लीजिए 14 पे है तो हम कह सकते हैं कि ये 14 किलोग्राम का है। इसी तरह से तो बड़े बड़े कंपनियों में या माल गोदामों में, चाहे चीनी उद्योग में, आप देखा होगा, आपने देखा होगा कि इसी स्टील यार्ड का ही प्रयोग किया जाता है। तो वहां पे हमको क्या करना होता है, बड़े बड़े मतलब मास में उसका वेट निकालना होता है, तो उसमें न्यूटन में ऐसे ऐसे करके वहां पे निकालते हैं। यहाँ पे मान लीजिए हमने केजी में इसको दिखाया है, यहाँ पे कोई मास जो लिया है छोटा है, इसलिए हमने वहां पे मान लीजिए केजी में दिखाया, 0 kg, यहाँ पे फिर 2 kg, 4 kg, इस तरह से, इसलिए हम ऑब्जेक्ट यहाँ पे लगाए तो हमारा मान लीजिए कि 14 है, तो हम कह सकते हैं कि ये 14 ग्राम का है, यानी कि 14 किलोग्राम का है। ठीक, अब हम बात करेंगे जो कहता है कि आघूर्ण के सिद्धांत पर यह स्टील यार्ड वर्क करता है। तो आघूर्ण के सिद्धांत में आपको हमने बताया था कि यदि किसी पिंड पर बल अगर इस प्रकार कार्य कर रहे हो, तो उस पिंड के किसी भी बिंदु पर
क्या होता है कि जो दक्षिणावर्त और अवामावर्त जो आघूढ़ होते हैं एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो यहां पे देखिए हमारा इस पॉइंट पे मान लीजिए हिंज है, तो अगर इस साइड में देखें इस साइड में तो यही तो एक फोर्स लग रहा है जो चल भार में, ये कितना है पी है, तो क्या करेगा ये पी वाला जो क्या करेगा इसको क्लॉकवाइज में डायरेक्शन में घुमाने का घड़ी के दिशा में प्रयास करेगा। अगर यही बात करें इस हिंज से लेफ्ट साइड में, इस पॉइंट में हमारा क्या है ई है, और इस ई पॉइंट पर देखिए एक हमारा जो ये हुक लगा था, हुक पे तो हम ऑब्जेक्ट को ले रहे हैं, तो ये हमारा एक फोर्स ये हुआ, और ये जो पूरा जो हमारा स्टील यार्ड है इसका अपनी कोई वेट होगी, तो वेट कहां पे होगी उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे होगी, तो उसकी जो वेट होगी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से मानिए स्मॉल डब्ल्यू, इसकी भी वेट होगी तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहां पे आएगी तो वही उसका टोटल वेट होगा उस स्टील यार्ड का। ठीक, तो हम क्या करेंगे जो आलंब हमारा है जिस पॉइंट पे हिंज है उसी के परितः इन सारे बलों को आघूढ़ का आघूढ़ निकाल करके एक दूसरे के बराबर दिखा देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा आघूढ़ के सिद्धांत पर कार्य कर रहा है, यानी कि उस रूल को फॉलो कर रहा है। तो देखिए कि जो हमारा आघूढ़ का सिद्धांत पे ये होता है कि जो हमारा फोर्स होता है वो क्या होता है उसके जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होते हैं वो उस पॉइंट के ऊपर होता है। देखिए ये मान लीजिए हिंज हुआ है, हिंज से इसका डिस्टेंस हुआ, ये हमारा फोर्स होता है इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे, यही तो हुआ। इसी तरह से इस पे देखिए जी पर, जी पॉइंट पे डब्ल्यू हमारा फोर्स नीचे लग रहा है और इसके बीच में भी तो यही हमारा डिस्टेंस हुआ जी एफ, ये सब परपेंडिकुलर एक दूसरे के हैं। तब हम बात करेंगे इस पॉइंट पर, यानी कि जो हमारा एफ पॉइंट है यहां पर इसका हम क्या करेंगे मोमेंट लेंगे। तो जब हम मोमेंट लेंगे तो यहां पर हम कहेंगे कि आलंब या आलंब कहें या बिंदु कहें, यानी कि यहां पर कह सकते हैं कि बिंदु बिंदु एफ पर बलों का आघूढ़ लेने पर ठीक, तो बराबर। अब यहां पे देखिए अगर यहां पे देखिए बराबर जैसे डैश दिखा दीजिए, अब यहां पे देखिए हमारा फोर्स एक डब्ल्यू लग रहा है इस पॉइंट पर, देखिए इसी पॉइंट से तो निकाल रहे हैं, यहीं पर हम क्या कर रहे हैं उसी पॉइंट से कंसीडर कर रहे हैं कि हमारे कितने कितने बल लग रहे हैं लेफ्ट और साइड लेफ्ट और राइट में, तो इस पॉइंट के ऊपर हम क्या कर रहे हैं मोमेंट निकाल रहे हैं। तो मोमेंट का हमारा इक्वेशन क्या होता है कि जो हमारा फोर्स होता है अब जो उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है इन दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहां पे मान लीजिए अगर हम W की बात करें तो W हमारा एक तो W हमारा फोर्स हो गया, W हमारा फोर्स हो गया आई टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब यहां पे देखिए इस फोर्स की वजह से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है इस पॉइंट तक EF, तो यहां पे लिख सकते हैं क्या EF। इसी तरह से एक देखिए W, ये W हमारा जो है जी पॉइंट पर से वर्क कर रहा है तो ये तो हमारा फोर्स होगा, इसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां पे देखिए ये क्या है GF, तो यहां पे लिख सकते हैं प्लस। अब हम प्लस क्यों ले रहे हैं क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज में दोनों डायरेक्शन में ये जो फोर्स है लग रहे हैं, इसलिए हम एंटी क्लॉकवाइज में ले रहे हैं। ठीक, तो यहां पे लिख सकते हैं जी इंटू हमारा ये जो डिस्टेंस है GF, यहां नहीं नहीं ये स्मॉल W है सॉरी, यहां पे स्मॉल W लिखेंगे और यहां पे GF। अब हम यहां पे क्या करेंगे बराबर, अब बराबर दिखा दिए क्योंकि अब इतना ही फोर्स ये लेफ्ट साइड में लग रहे थे, अब राइट साइड में देखें तो राइट साइड में ये जो हमारा फोर्स लग रहा है चल भार वाला पी, तो इसकी जो हम अगर बात करें डिस्टेंस की परपेंडिकुलर तो क्या हो जाएगी यहां से सी और एफ, यानी कि सी एफ हो जाएगी। यहां पे लिख सकते हैं क्या पी गुड़े सी एफ, तो यही हमारा क्या होता है आघूढ़ का इसका इक्वेशन निकल जाता है स्टील यार्ड का, यानी कि जितने फोर्स एक्ट कर रहे हैं तो जहां पे आलंब होगा वहीं पे सारे मोमेंट को क्या करेंगे निकाल करके एंटी क्लॉक वाइज और जो हमारा क्लॉक वाइज होता है दोनों के आघूढ़ों को जो बड़ आघूढ़ होते हैं बराबर दिखा देते हैं, तो ये हमारा इक्वेशन प्राप्त हुआ। इसे हम फार्मूला भी कहें तो फार्मूला भी निकल आया, यानी कि ये हमारा फार्मूला भी निकल गया है और इसी फार्मूले पर हम क्या करेंगे स्टील यार्ड के अगर क्वेश्चन आएगा तो आसानी से हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक, तो अब हम बात करेंगे इसके क्वेश्चन पे, हम अब सवाल को देखते हैं। तो हमारा सवाल कहता है एक साधारण तुलादंड का भार 6 न्यूटन है, भार आलंब से 20 एमएम एवं धरण का गुरुत्व केंद्र भार की ओर ही है, आलंब से 10 एमएम पर है, अज्ञात भार 80 न्यूटन है और ज्ञात भार 6 न्यूटन को आलंब से कितनी दूर लटकाया जाएगा। यानी कि ये पूछ रहा है कि जो हमारा ये चल भार होता था जो हम क्या करते थे कुंडी के साथ रहता था, इसको हम क्या करते थे 0, 2, 4 ऐसे करके रहता था, तो हम इसको कितनी दूरी पर लटकाएंगे तो डिस्टेंस ये पूछ रहा है, बाकी का सब मान दिया है। तो यहाँ पे देखिए हमारा ये जो फिगर है जो कैपिटल W यानी कि जिस पे हम ऑब्जेक्ट जो लटकाते थे उसका जो हमारा वेट दिया है 80 न्यूटन,
और जो हमारा स्टील यार्ड होता था उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता था उसकी जो हमारी अपनी वेट होती थी स्मॉल डब्ल्यू बराबर 6 न्यूटन ये भी दे दिया है। और इसकी जो हमारा ये एफ है यानी कि ये जहाँ पे हिंज है स्टील यार्ड यहाँ से इसकी जो दूरी जो दी है ये हमारा जो कैपिटल डब्ल्यू जो फोर्स लग रहा है इसके बीच में 20 एमएम की दूरी और जो हमारा डब्ल्यू ये जो लग रहा है फोर्स नीचे की तरफ इसका भी हमारा दे दिया है 10 एमएम। और बात करें अगर इसका जो हमारा चल बार होता था पी ये 6 न्यूटन दिया है लेकिन ये क्या है कि हमारा डिस्टेंस पता नहीं है कि कितना दूरी इसको लटका करके हम क्या करें जो 80 किलोन्यूटन का भार है उसे तोल लें। तो आइए हम जो इक्वेशन आपको हमने जो फार्मूला उसका निकाला था स्टील यार्ड का वो ये था कि डब्ल्यू इंटू ईएफ प्लस स्मॉल डब्ल्यू इंटू जीएफ इक्वल पी इंटू सीएफ। अब यहाँ पे देखिए कैपिटल डब्ल्यू जो है डायरेक्ट यहीं पे मान रख देना है कितना है 80 इंटू अब यहाँ पे देखिए कैपिटल डब्ल्यू ईएफ यानी कि ई और एफ और इसके बीच की दूरी पूरा कितना है 20 एमएम यहाँ पे लिख सकते हैं 20 फिर प्लस और बात करें स्मार्ट डब्ल्यू की स्मार्ट डब्ल्यू कितना है 6 न्यूटन यानी 6 इंटू जीएफ। अब जीएफ की बात करें तो यहाँ पे हमारा जो जीएफ है कितना है जीएफ 10 यहाँ पे 10 हो जाएगा इक्वल पी पी हमारा दिया है कितना 6 दिया है इंटू सीएफ। अब हम सीएफ हमको तो पता नहीं है इसलिए इसको इस डिस्टेंस के हम क्या कर लिए हैं स्मार्ट डी मान लिए हैं। अब हम क्या करेंगे डी को हमको निजे करना है निकालना है तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 80 गुड़े जो 20 है इसको जो गुड़ा करेंगे तो क्या आ जाएगा 1600 प्लस 60 का 6 का गुड़ा 10 में करेंगे तो 60 हो जाएगा। और ये देखिए हमारा जो 6 इंटू डी है अगर हम क्या करें डी को रोक लें तो 6 क्या हो जाएगा यहाँ पे आकर के भाग हो जाएगा यानी कि यहाँ पे 6 हो जाएगा यहाँ पे क्या बचेगा डी तो हमारा डी यहाँ से निकाल लेंगे। तो अगर डी को निकालना होगा तो क्या करेंगे पहले 16 और 16 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1600 और 60 को तो हो जाएगा 1660 अपान 6 बराबर डी। तो हम जब डी को 1660 में जब हम क्या करेंगे 6 से भाग देंगे तो जो हमारा डी का मान आएगा 277.5 यहां पे एमएम। ठीक यही हमारा डिस्टेंस क्या किया था पूछा था इस जो हमारा चल भार है कितने दूरी पे लटकाया जाए तो हमारा ये डिस्टेंस निकल गया है यानी हम कह सकते हैं जिस ऑब्जेक्ट को हमको तौलना है जो अज्ञात है 80 न्यूटन को तो हम क्या करेंगे उसको 277.5 एमएम की दूरी पर जो हमारा चल भार है उसको कुंडी को फंसाएंगे। जो हमारा सवाल पूछा था वो हमारा डिस्टेंस पता हो गया। बस आज के लिए यहाँ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।